उड़ाए होश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कांगड़ा के शाहपुर के चंबी मैदान में हुई अरविंद केजरीवाल की रैली ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही नींद उड़ा दी है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुले मंच से चुनौती देकर हिमाचल की सियासत गर्मा दी है। क्या चुनौती दी है केजरीवाल ने और किस तरह से निपटेगी अब भाजपा, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल की सियासत में बहुत बड़ा दिन था जी, कल भी बड़ा दिन था, नड्डा साहब यहाँ थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन आज उससे बड़ा कम से कम उतना तो रखी नीचे केजरीवाल साहब, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल संयोजक आम आदमी पार्टी के, आप कहिए सुप्रीमो जी, आज कांगड़ा में थे राजेश। बिल्कुल, तो रैली की उन्होंने, और सुनने में आया बड़ी जोरदार रैली, उन्होंने बड़ा जोरदार एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने लोगों को संबोधित किया, वहां पे कहा क्या केजरीवाल साहब ने? बिल्कुल, देखिए कांगड़ा के शाहपुर के चंबी मैदान में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की आज रैली हुई, एक जनसभा हुई और जनसभा में भीड़ काफी जुटाई गई थी, काफी लोग वहां जनसभा में पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी का जो नजरिया है, जो उसी नजरिए पे या उसी थीम पे आज अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश को संबोधित किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों चीज, दोनों पार्टियों पे प्रमुख दल हैं हिमाचल के, दोनों ही दलों पे उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को 30 साल तक लूटा है, बीजेपी ने हिमाचल को 17 साल तक लूटा, 47 तक साल तक दोनों दल हिमाचल को लूटते रहे, अब 5 साल उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका देने की जनता से अपील की है कि आप हमें 5 साल तक हिमाचल में रूल करने का या हिमाचल में शासन करने का मौका दीजिए, आम आदमी की सरकार हम यहां बनाएंगे और आम आदमी की सरकार जब बनेगी तो आम आदमी की पूछ होगी और उसके बाद फिर अगर हम आपके पास वोट आएंगे, हम अपने काम के आधार पे आपसे वोट मांगेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो हमें वोट करना, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हमें वोट मत करना। इस तरह की उन्होंने एक जनता को एक तरह से संबोधित किया है वहां। जी जी राजेश, देखिए दिव्य हिमाचल टीवी पे भी लाइव हुआ, बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे, आज उनके कार्यक्रम की काफी सारी कवरेज की है दिव्य हिमाचल टीवी ने केजरीवाल साहब सुबह से लेके जब तक कि कार्यक्रम का अंत नहीं हुआ। केजरीवाल साहब ने ये सीधे कहा मंच से कि दिल्ली मॉडल पे मेरी आलोचना हो रही है हिमाचल। बिल्कुल, उन्होंने दिल्ली मॉडल को पहले ये कहा कि जी मुख्यमंत्री का इन्होंने जिक्र किया जी कि मुझे कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा हिमाचल जी, जी। फिर उन्होंने दिल्ली मॉडल की खूबियां बता दी वहां। बिल्कुल, अच्छा ये क्या खूबियां रही उन्होंने, क्या और क्यों उन्होंने हिमाचल की जरूरत बताया दिल्ली के मॉडल को? बिल्कुल, देखिए उन्होंने पहली चीज तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक ट्वीट से उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में ये कहा है कि हिमाचल में दिल्ली का मॉडल नहीं चलेगा, तो पहले वो बताए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कि दिल्ली का मॉडल है क्या, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मॉडल पे कहा है अग्निहोत्री जी, और ये कहा है कि दिल्ली का सिर्फ एक मॉडल है, वो है ईमानदार सरकार, और क्या हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार की जरूरत नहीं है, इस बात को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बता दें। उन्होंने यह कहा कि दिल्ली की जो सरकार है, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब से सत्ता हमने दिल्ली की संभाली है तब से हमने स्कूलों पे फोकस किया है, शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा हमने फोकस किया है, भ्रष्टाचार को दिल्ली से खत्म कर दिया है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि क्या हिमाचल में स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीजों से उन्होंने बड़े विस्तार से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने यह कहा कि दिल्ली के स्कूल हमने इतने बेहतर से बेहतरीन बना दिए हैं कि अब दिल्ली के स्कूलों में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां पे अपने बच्चों को दाखिल करवा दिया है दिल्ली सरकार पे भरोसा करके। दूसरी चीज, उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को न्योता दिया है कि वो दिल्ली में आए और दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था भी देख लें और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की व्यवस्था भी देख लें, तुलना खुद कर लें कि कहां परिस्थितियां बेहतर हैं। दूसरी चीज इन्होंने स्वास्थ्य पे कही है, अग्निहोत्री, स्वास्थ्य पे बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि दिल्ली में हमने स्वास्थ्य के ढांचे इतना ढांचा मजबूत कर दिया है कि आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को सुविधा वहां दी है तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये दी है कि कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें बीमारी का इलाज किसी भी बीमारी का लाखों लगे, बिल्कुल चाहे उसमें लाखों रुपए उन्होंने किडनी सरकार बदल, बिल्कुल उन्होंने किडनी बदलने का एक उदाहरण दिया कि किसी मरीज को लीवर का, बिल्कुल किसी मरीज को अगर जरूरत पड़ती है कि उसकी किडनी बदलनी पड़े, उसका लीवर बदलने पड़े, तो उस व्यक्ति को पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार
हजार चाहे 50 लाख उस पर खर्चा आ जाए, दिल्ली सरकार उस खर्च को बहन करती है और लोगों को ये सुविधा वहां देती है। और इसी तरह की सुविधाएं आने वाले जब उनकी सरकार हिमाचल में बनेगी तो हिमाचल के लोगों को भी देगी। जी राजेश, हिमाचल के लोग। अच्छा राजेश, उम्मीद जताई जा रही थी कि केजरीवाल साहब की इस रैली में कुछ बड़े चेहरे मंच पर आकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, दूसरे राजनीतिक बड़े राजनीतिक दलों के, बड़े राजनीतिक दल कहने का मतलब सबको पता है भाजपा या कांग्रेस के, कुछ हुआ क्या? नहीं, देखिए भाजपा और कांग्रेस आज अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी की किसी ने कोई सदस्यता नहीं ली है। आज अरविंद केजरीवाल चार्टर्ड फ्लाइट से गग्गल एयरपोर्ट पे उतरे, गग्गल से टैक्सी में सीधे पहुंच गए चंबी जाके, चंबी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद फिर वापस दिल्ली के लिए वो वही सिस्टम फॉलो करके रवाना हो गए। आम आदमी पार्टी आज कोई बड़ा चेहरा पार्टी का कोई इसमें शामिल नहीं हुआ, ना बीजेपी का ना ही कांग्रेस, शेड्यूल में भी नहीं था। बात उठी थी तो मैंने पूछ लिया। धमाकों की बात। जी जी हाँ बिल्कुल राजेश, केजरीवाल साहब ने जो आज पहाड़ पे चढ़ाई की है जी, इस चढ़ाई से भाजपा और कांग्रेस को, हिमाचल भाजपा हिमाचल कांग्रेस को कितना खबरदार होने की जरूरत है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल देखिए, खबरदार और चौकन्ना और होशियार दोनों ही दलों को बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। भाजपा के नजरिए से देखें तो भाजपा की तैयारियां कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो एक चुनौती बहुत बड़ी उन्होंने दी है अग्निहोत्री जी, हिमाचल के लहजे से उसको देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 5 साल में 12 लाख नौकरियां दी है और हिमाचल प्रदेश सरकार के आंकड़े देख लो। दूसरा उन्होंने यह कहा कि अगले 5 साल का विजन भी बता दिया कि अगले 5 साल में 20 लाख और नौकरियां देने हम जा रहे हैं। तो उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि आप अपना विजन भी देख लो, आप कितने लोगों को नौकरियां देने जा रहे हैं। बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी की तैयारियों की बात करें, अगले महीने सुनने में आ रहा है मई महीने में अमित शाह हिमाचल के दौरे पे होंगे, जून महीने तक उनका प्रपोजल है, जून महीने में माननीय प्रधानमंत्री का हिमाचल का दौरा संभावित बताया जा रहा है, सितंबर तक की भाजपा की तमाम कार्य कोशिश में है कि हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी के डर से बीजेपी जल्दी चुनाव करवा सकती है। और उन्होंने लोगों से यह कहा कि आप इसके लिए तैयार रहिए। उन्होंने जुलाई तक की बात कह दी है, उन्होंने कि जून जुलाई कभी भी घोषणा हो सकती है चुनावों की। तो लोगों को आम आदमी पार्टी के लिए तैयार रहना होगा, मंच से आह्वान उन्होंने कर दिया है। जी राजेश, जो भी आपने बातें कही, देखिए कुछ कही आप, पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल साहब जो है ना जी, उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल सही, वो हर खबर को वो एक अपने तरीके से वो रख के सामने रख के उसको अपनी पार्टी के पक्ष में करने की उनको हुनर बहुत ज्यादा आता है। बिल्कुल, चाहे बात कुछ भी हो, क्योंकि काफी समय से सुनने में आ रहा है कि शायद चुनाव पहले हो जाए, पता नहीं आम आदमी पार्टी से डरे होंगे कि नहीं डरे होंगे भाजपा, लेकिन केजरीवाल साहब ने जिस अंदाज में ये बातें कही है ना, बिल्कुल लोग इस चीज को मानेंगे जरूर। सही है ना। दूसरी बात, नौकरियों की बात कही है केजरीवाल साहब ने, हालांकि वो यहाँ पे ये जिक्र करना शायद भूल गए कि वो सरकारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं या दोनों निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल है ना। चलिए, अगली भी उनकी रैली होगी, उनके और नेता भी आएंगे, ये चीज और स्पष्ट होती जाएगी राजेश। और यह बात आपने ठीक कही कि दोनों दलों को सावधान होने की बात है। भाजपा की आपने बात कर ली राजेश, कांग्रेस को क्या देखते हैं आप? कांग्रेस की गतिविधियां अभी तो शिथिल जैसी लग रही है थोड़ा। वैसे तो राजेश इसमें यह था कि टर्न इस बार जैसे हिमाचल में होता है भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस की मानते हैं ना, हालांकि अलग बात है कि जयराम ठाकुर मतलब अहद उठा रखा है कि मैं तो मिशन रिपीट करूंगा। बिल्कुल, केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनने वाली है, कांग्रेस कहां है? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की बात करें तो पिछले कल का एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया सुखविंदर सिंह सुक्खू का कि बिना सीएम के चेहरे के कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और अभी कांग्रेस की रणनीति है, 26 अप्रैल की रणनीति तय हो गई है। जोगिंदर नगर में रैली कर रहे हैं, रैली करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, बड़े नेताओं को वहां आने का न्योता दिया है, राहुल गांधी तक उसमें शामिल है, आएगा कौन कौन नहीं आएगा देखने वाली बात होगी। मंच पे कितने कांग्रेसी एक साथ होंगे, कितने कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ जुट के पार्टी के लिए हुंकार भरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रैली जो प्रपोज है, उस रैली की तैयारियों के लिए कांग्रेस अभी जुटी हुई है, उसके बाद आगे की रणनीति कांग्रेस तय करेगी। बड़ी बात यह कि कांग्रेस में जिस तरह की सहमति थोड़ी सी बनती हुई नजर नहीं आ रही है चेहरे पे, वहां से अभी तक कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे है। जी बैकफुट पे है, लेकिन हर आदमी या हिमाचल के बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पुराने अवतार में आए। बिल्कुल, उस समय में जब वीरभद्र सिंह होते थे कांग्रेस के साथ, क्योंकि पता क्या राजेश, तभी एक ऐसा माहौल बनता है, चुनावी वर्ष है तो
मुद्दे सबके सामने आने चाहिए, हर पार्टी के जो एक तरह से हाईलाइट जो पॉइंट होंगे वो सामने आने चाहिए, ताकि जनता ये डिसाइड कर सके इसमें वोट किसे देना है। इसमें ऐसा ना हो कि कोई एक बड़ी पार्टी जो है वो आपस में उलझ के कहीं मुद्दे ही ना उठा पाए। तो आम आदमी तो यही चाहता है, दैट इज हिमाचल का आम आदमी, आम जनता ये चाहती है कि कांग्रेस भी अपने रंग में उतरे, है ना। केजरीवाल साहब तो आगे, जयराम ठाकुर साहब तो पहले ही बोल रहे हैं, तो उससे फायदा रहेगा। सियासत पे और क्या क्या घटित होगा हम आपको रोज एक सेगमेंट के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे।